श्री राम की माला जपते, श्री राम की माला जपते बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। बस राम राम ही रटते, बस राम राम ही रटते बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। बालापन से बालाजी ने राम जी को ध्याया है, राम जी को ध्याया है, राम जी को ध्याया है। हाथ खड़ ताल धारे राम नाम गाया है, राम नाम गाया है। तब राम को हृदय धारे, प्रभु राम को हृदय धारे, है बाला बजरंगी, है बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। राम जी के बालाजी ने काज बनाए हैं, काज बनाए हैं, काज बनाए हैं, फिर भी राम चरणों में शीश नवाए हैं, शीश नवाए हैं, शीश नवाए हैं। ओ राम जी के बालाजी बस राम ही राम मनाए, बस राम ही राम मनाए, है बाला बजरंगी, है बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। राम को ही बालाजी ने सब कुछ माना है, सब कुछ माना, सब कुछ माना है। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना है, इनका ठिकाना है, इनका ठिकाना है। हाँ राम को ही बालाजी ने सब कुछ माना है, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना है। ये तो राम धुनी है रमाए, ये तो राम धुनी है रमाए, बाला बजरंगी, है बाला बजरंगी, बाला बजरंगी।
राम नाम चंदन से खुद को रंगाया है, खुद को रंगाया है, खुद को रंगाया है। राम नाम सरिता में गोता लगाया है, गोता लगाया है, गोता लगाया है। हाँ, राम नाम चंदन से खुद को रंगाया है, राम नाम सरिता में गोता लगाया है। राम जपो तो खुश हो जाए, राम जपो तो खुश हो जाए। बाला बजरंगी है, बाला बजरंगी, बाला बजरंगी, ओ बाला बजरंगी। श्री राम की माला जपते, प्रभु राम की माला जपते, बाला बजरंगी है, बाला बजरंगी। मंगल मूरती मारुति नंदन, जग का तू रखवाला, बल बुद्धि विद्या देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। बजरंग बली जो शरण तुम्हारी आते, करके दर्शन आपका भगवन सारी खुशियां पाते। जो शरण तुम्हारी आते, मंगलवार को बजरंगी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं, मन मांगी पाते हैं मुरादे जो इनके दर आते हैं। मंगलवार को बजरंगी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं, मन मांगी पाते हैं मुरादे जो इनके दर आते हैं। राम प्रभु के सेवक प्यारे राम भक्त कहलाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियां पाते। शरण तुम्हारी आते, तीनों लोक चौदह भुवन में गूंजे तेरा जयकारा है, कलयुग में भक्त जनों का तू ही एक सहारा है। संकट हरते बजरंगी, संकट मोचन बजरंगी। तीनों लोक चौदह भुवन में गूंजे तेरा जयकारा है, इस कलयुग में भक्त जनों का तू ही एक सहारा है।
संकट में जब भक्त पुकारे तुम दौड़े आ जाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। शरण तुम्हारी आते। कलयुग के जाने सकल जहान है, सबके रक्षक संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। सिद्ध देव हो तुम कलयुग के जाने सकल जहान है, सबके रक्षक संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। अंजन सुत के सरी नंदन सिया राम के मन को भाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाना। डूबती तेरे राम की नैया, डूबती तेरे राम की नैया, बाला तू आके पार लगाना। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे। था जो भैया भैया मुझको कहता, आज भूमि पे मूर्छित पड़ा है। आंखें खोले ना कुछ बात बोले, जाने कैसी ये जिद पे अड़ा है। बोले ना कुछ बात बोले, जाने कैसी ये जिद पे अड़ा है। तूने भगवान मुझको है माना, तूने भगवान
भक्ति का फर्ज बाला निभाना। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, मां सुमित्रा ने मुझसे कहा था तुम तीनों ही साथ में आना। राम सेवा में तेरी लाल मेरा, सकुशल ही मुझे तू लौटाना। मैया को मुँह मैं कैसे दिखाऊं, मेरे हनुमत तू मुझको बताना। बूटी ले आओ हनुमान प्यारे, अब और लाओ न हनुमत लेके संजीवन, अब तो आ जाओ। होने वाली है भोर ओ प्यारे, प्राणों का संकट आके मिटाओ। तुम हो भक्ति के चंदन ओ बाला, वादा अपना नहीं भूल जाना। डूबती तेरे राम की नैया, डूबती तेरे राम की नैया, बाला तू आके पार लगाना। तूने सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात पे तूने सीना
गढ़ की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी। 14 वर्षों बाद राम की राज तिलक की तैयारी। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी। 14 वर्षों बाद राम की राज तिलक की तैयारी। हनुमत के दिल की मत पूछो झूम रहा है मतवाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। दरबार सभा में बहुत से राजा थे आए। ले उपहार सभा में पहुँचे भर भर थाल सजा लाए। लगा राम दरबार सभा में बहुत से राजा थे आए। ले उपहार सभा में पहुँचे भर भर थाल सजा लाए। लंकापति ने भेंट में दी रत्न जड़ित सुंदर माला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी। प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली। रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी। प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली। माला दी हनुमत को सिया ने इसको पहन मेरे लाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे। खाली चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। लंकापति मन में पछताया पड़ा है बंदर से पाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला।
लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। भरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। भरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। माला को तोड़ा तुमने क्यों, गाज का फल है समझ डाला। जरा सी बात पे तूने सीना भाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना भाड़ दिखा डाला। लंकापति से हनुमत बोले, मुझे है माला से क्या काम। मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते मेरे राम। लंकापति से हनुमत बोले, मुझे है माला से क्या काम। मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते मेरे राम। राम नजर नहीं आए इसमें, यूं बोला बजरंग बाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना भाड़ दिखा डाला। बसे हैं भरी सभा में कह डाला। इतनी सी बात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंका वाला। तेरे में क्या राम बसे हैं भरी सभा में कह डाला। फाड़ के सीना हनुमत ने सिया राम का दरस करा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा हनुमत के हृदय में देखी राम की वो प्यारी मूरत। उस घड़ी लंका के राजा की देखने लायक थी सूरत। हनुमत के हृदय में देखी राम की वो प्यारी मूरत। उस घड़ी लंका के राजा की देखने लायक थी सूरत। भरी सभा में गूंज उठी, जय हो अंजनी लाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा
लगन देखी हनुमत की, सभी देवता हर्षाए। राम के इतने प्यारे हो तुम, भक्त शिरोमणि कहलाए। राम लगन देखी हनुमत की, सभी देवता हर्षाए। राम के इतने प्यारे हो तुम, भक्त शिरोमणि कहलाए। पुष्पों की वर्षा करते ब्रह्मा विष्णु डमरू वाला, जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। शीश झुकाए, बजरंगी के गुण गाए,
सबसे बलवान है बजरंगी, सबसे बलवान है बजरंगी, सबसे बुद्धिमान है बजरंगी। देख लिया इस दुनिया में, खोज लिया आसमान, भाई ना भरत सा मिला, भक्त ना हनुमत समान, भक्त ना हनुमत समान। प्रिय श्रोताओं, आज हनुमान जी का दिन है। आज हम आपको रामायण की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी छोटी सही पर शिक्षा से भरपूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला, उसी समय उनकी धर्म पत्नी माता सीता को रावण हर के ले गया। राम जी शोक में डूबे हुए थे कि कैसे लंका जाया जाए, आखिर कौन जाएगा सीता का पता लगाने। बहुत सोच विचार करने के बाद में भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ और जाके सीता का पता लगाओ। हनुमान जी क्षण मात्र भी देर किए बिना राम जी का नाम लेकर कैसे हवा में उड़ते गए, आइए सुनते हैं। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, राम काज करने को महाबली, राम काज करने को महाबली, बोल के जय श्री राम। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, पता लगाओ। उठो हनुमान जाओ, सिया का पता लगाओ। खोया बल याद आया, कपी ने गर्ज न लाया, धरती अंबर लगे हिलने, समंदर भी थर्राया, लंका की ओर उड़ चले। अब देवताओं ने ये सोचा, हनुमान जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं, चलिए इनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। इस काम के लिए देवताओं ने सुषा नामक राक्षसी को भेजा, मगर हनुमान बड़ी चतुराई से सुषा को मात देकर आगे बढ़ चले और आगे उनको लंकिनी मिली, उसको अपने बल से मार गिराया।
और सीधे अशोक वाटिका जा पहुँचे। इसके बाद क्या हुआ आइए सुनते हैं। माता सीता को देखे वो सुंदर रूप निरेखे, देख के इधर उधर वो अंगूठी पास में फेंके। सिया माँ को अंगूठी अपनी पहचान बताए, राम का दूत हूँ मैं नाम हनुमान बताए। राम का दूत हूँ मैं नाम हनुमान बताए। माँ से ले आदेश चले फल, माँ से ले आदेश चले फल, खाने से नातान हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले अशोक वाटिका पहुंच गए और उसी पेड़ पर जा बैठे जिसकी छाया में माता सीता बैठी थी। राम जी का नाम लेकर उन्होंने ऊपर से राम जी की दी हुई अंगूठी नीचे गिराई। उसको देखकर माता सीता समझ गई कि ये जरूर कोई राम भक्त है जो मेरी तलाश में यहाँ आया हुआ है। वीर हनुमान राम नाम जपते हुए पेड़ से नीचे आए और माता सीता को प्रणाम करते हुए ये बताया कि मैं हनुमान हूँ, भगवान श्री राम का भक्त हूँ, और आश्वासन दिया कि माते आप चिंतित ना हो, भगवान श्री राम जल्द ही यहाँ आएंगे और अपने साथ आपको अयोध्या वापस लेकर जाएंगे। और इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका में कुछ फल खाने लगे और साथ ही साथ पेड़ों को उखाड़ के फेंकने लगे। इस प्रकार वाटिका को उजड़ते हुए देखकर रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार वाटिका की रक्षा के लिए आया और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आगे क्या हुआ चलिए सुनते हैं। अशोक वाटिका उजाड़े वो अक्षय कुमार को मारे, बल का परिचय बतलाए कपि असुरों को संहारे। सन्मुख कपि को बांध के लाया, रावण के सन्मुख कपि को बांध के लाया। क्रोधित रावण कपि से बोला, क्रोधित रावण कपि से बोला, हर लूंगा तेरे प्राण, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। मेघनाद गुस्से में जाते हैं और जाकर हनुमान जी को तुरंत बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाते हैं। जब हनुमान जी का सामना रावण से होता है तो वो तनिक भी नहीं घबराते और चेतावनी देते हैं
की माता सीता को आदर सहित भगवान श्री राम के पास लौटा दो और भगवान श्री राम से माफी मांग लो, जिसे सुनते ही रावण गुस्से से भड़क उठता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देता है। और पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने क्या किया, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आइए सुनते हैं। क्रोध में रावण आया, पूंछ में आग लगाया, कपी ने क्रोधित होकर लंका नगरी को जलाया। सीता माता को निशानी संग में लाए, आके श्री राम प्रभु से सिया का हाल बताए। आके श्री राम प्रभु से सिया का हाल बताए। बजरंगी को गले से अपने, बजरंगी को गले से अपने लगा लिए प्रभु राम। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। तो प्रिय श्रोताओं, इसीलिए कहते हैं भगवान राम को पाना हो तो हनुमान जी की भक्ति भी साथ साथ करें। कहते हैं भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता श्री हनुमान के द्वार से होके जाता है, और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ राम कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहती है। जय जय श्री राम, जय भक्त शिरोमणि हनुमान। राम और रावण की लड़ाई में राम की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि राम का भाई राम के साथ खड़ा था, और रावण की हार शायद इसीलिए हुई थी क्योंकि रावण का भाई रावण के खिलाफ खड़ा था। भाई जो होते तो हैं दुख दर्द बांटने के लिए, अफसोस आज सिर्फ संपत्ति बांट रहे हैं। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, उस वक्त अपने भाई के लिए प्रभु श्री राम किस तरह व्याकुल होते हैं और बूटी लाने के लिए अपने परम भक्त हनुमान से क्या कहते हैं, उस व्यथा को शब्दों में सुना रहा हूं। इसे सुनकर किसी एक इंसान ने भी भाई शब्द का सही मतलब समझा तो मैं रविराज अपना जीवन धन्य समझूंगा। जय श्री राम। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को निकल न जाए जान, शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को निकल न जाए जान। संजीवनी बूटी ले आओ, संकट में है प्राण, तनिक ना देर लगाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना। सीता का गर भाई को भी गवाऊंगा, हरण हुआ सीता का गर भाई को भी गवाऊंगा। जाके अयोध्या वापस भला कौन सा मुँह दिखाऊंगा, मूर्छित लखन न जागा तो मैं, मूर्छित लखन न जागा तो मैं भी तज दूंगा प्राण, तनिक ना देर लगाना,
ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना। भाई ये कष्ट सहा ना जाए, गोद में मूर्छित भाई ये कष्ट सहा ना जाए। हर पल भैया कहने वाला कुछ भी बोल न पाए, वीर गति कहीं पाना जाए, वीर गति कहीं पाना जाए। सूर्यवंश की शान तनिक ना देर लगाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना। हाय मन मेरा घबराए, भारी विपदाई हाय मन मेरा घबराए। संकट मोचन सिवा तुम्हारे संकट कौन मिटाए, मुझको भी संकट से उबारो, मुझको भी संकट से उबारो। शीघ्र करो प्रस्थान तनिक ना देर लगाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना। श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। प्रभु राम की मुश्किल को, प्रभु राम की मुश्किल को हनुमान ने टाला है। श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। ये लांग गए जल्दी लंका में आए हैं, सोने की लंका को ये राख बनाए हैं। सीता की सुधी लाए, सीता की सुधी लाए, श्री हनुमत बाला है। श्री राम जी का हनुमान,
लक्ष्मण को लगी शक्ति गिर भूमि मुरझाए संजीवन वाला तू पर्वत ही उठा लाए लक्ष्मण के प्राणों के लक्ष्मण के प्राणों के संकट को टाला है श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है अहि रावण जब प्रभु को चंदन स्वामी का है देखो काज संभाला है श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है प्रभु राम की मुश्किल को प्रभु राम की मुश्किल को हनुमान ने टाला है श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है सुख वो पाते खाली न जाए तेरे द्वारे जो आते तेरी कृपा से हर सुख वो पाते खाली न जाए तेरे द्वारे जो आते तेरी कृपा से हर सुख वो पाते आप ही है करुणा निधान ओ मेरे बालाजी भक्तों का करो कल्याण ओ मेरे बालाजी सबके बिगड़े काज बन जाते सुर नर मुनि जन गुण तेरे गाते सबके बिगड़े काज बन जाते सुर नर मुनि जन गुण तेरे गाते सबके बिगड़े काज बन जाते है महिमा तुम्हारी महान ओ मेरे बालाजी भक्तों का करो कल्याण ओ मेरे बालाजी भक्तों
प्यारा, भक्तों को कष्टों से तूने उबारा। लाल सिंदूर तुम्हें लगता है प्यारा, भक्तों को कष्टों से तूने उबारा। लाल सिंदूर तुम्हें लगता है प्यारा, भक्तों को कष्टों से तूने उबारा। जाने बात ये सकल जहान, ओ मेरे बालाजी, भक्तों का करो कल्याण। ओ मेरे बालाजी, भक्तों का करो कल्याण। ओ मेरे बालाजी, हनुमान राम जी के सेवक है बजरंग दुलारे, कोई नहीं मेरा सिवा तुम्हारे। राम जी के सेवक है बजरंग दुलारे, कोई नहीं मेरा सिवा तुम्हारे। राम जी के सेवक है बजरंग दुलारे, कोई नहीं मेरा सिवा तुम्हारे। तुम सभी गुणों के खान, ओ मेरे बालाजी, भक्तों का करो कल्याण। ओ मेरे बसते हैं प्रभु राम मां जानकी, जिनके सीने में बसते हैं प्रभु राम मां जानकी। जय बोलो हनुमान की, जय जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय जय बोलो हनुमान की। जिनके सीने में बसते हैं प्रभु राम मां जानकी, जिनके सीने में बसते हैं। सवारे बन गए सिया राम के प्यारे, श्री राम के काज सवारे
का स्थान खास चरणों में कृपा निधान की। संजीवनी ले आए, बूटी नहीं पहचान सके, पूरा पर्वत ही उठा लाए। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब बूटी संजीवनी ले आए, बूटी नहीं पहचान सके, पूरा पर्वत ही उठा लाए। कपिल लक्ष्मण के प्राण बचाए, राम रावण को मार गिराए। शान निराली महावीर बलवान की। आन बान और शान निराली महावीर बलवान की। जय बोलो हनुमान की, जय जय बोलो हनुमान की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। करते हैं संकट मोचन मेरे प्रभु, भक्तों के संकट हरते हैं। अपने भक्तों पे बजरंगी कृपा की बारिश करते हैं, संकट मोचन मेरे प्रभु, भक्तों के संकट हरते हैं। सभी करते हैं इनकी पूजा, देवना इनके जैसा दूजा। राज कह दर्शन कर लो सर्व गुणों के खान की। रवि राज कह दर्शन कर लो सर्व गुणों के खान की। जय बोलो हनुमान की, जय जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय जय बोलो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर